चांदपोल बाजार में दीपावली की सजावट और साथ में छोटी चौपड़ पर रामलला का दरबार और पीछे स्टैचू ऑफ लिबर्टी भव्य रूप में बनाया गया, जिसका उद्घाटन अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने विधिवत पूजन अर्चन करके पश्चात बटन दबाकर उद्घाटन किया और साथ में कोरोना से बचाव के लिए मास्क वितरण किए। इस मौके पर चांदपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष गोयल, जयपुर व्यापार महासंघ से सुरेंद्र बस, धनश्याम भूतड़ा, अशोक काकड़े वाले कृष्ण अवतार, किशोर जी बागड़ा, सांस्कृतिक कार्यक्रम मंत्री चेतन अग्रवाल, विजय अग्रवाल, गोविंद शर्मा, सिया शरण बंसल ओसवाल, साबुन के आंचल कोतवाली एसीपी मेघचंद मीणा, एसएचओ कोतवाली यशवंत यादव, टीआई साहब मोहम्मद शफीक और साथ में व्यापारीगण मौजूद रहे। उपायुक्त अतिरिक्त कमिश्नर अजय पाल रामा का फूलों से स्वागत किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस बार सभी व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। कोविड की वजह से लगातार 3 महीने यहाँ लॉकडाउन रहा, यहाँ तक कि पूरा कर्फ्यू रहा चार दीवारी क्षेत्र में, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमारे सभी व्यापारी भाइयों ने पूरी दमता से पूरे जोश के साथ, साथ में एक बार और कहूँगा कि हमारे मीडिया भाइयों ने हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट किया, जिससे कि आज गिरायकी अभी नवरात्रों से बहुत अच्छी चलने लग गई है और उससे व्यापार भी हमारा अच्छा हो रहा है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आगे भी बढ़िया चलेगा। हम लगातार 21 साल से छोटी चौपड़ पर सामूहिक लक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें भी हमारे यहाँ बंगाल से आए हुए कारीगर अलग अलग कलाकृतियों से यहाँ पर मूर्त रूप स्वागत द्वार का देते हैं। तो आज भी इस बार भी जो है स्वागत रूप के दूर में हमने रामलला के लिए जो राम दरबार सजाया गया है, ये कलकत्ते से आए हुए कारीगर ने बहुत भव्य रूप से सजाया हुआ है जो आप देख रहे हैं। साथ ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो भी यहाँ पर एक मतलब क्या कहते हैं स्टैचू के रूप में बनाई गई है और जो कि कारीगरों द्वारा बहुत ही मेहनत के साथ में। तो मैं सभी को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। हर बार हमने लोटस बिल्कुल जैसा दिल्ली का था रूबरू यहाँ हवा महल, बिल्कुल लगेगा कि आज जयपुर में 2 हवा महल हो गए क्या। आज सिटी पैलेस, रूबरू सिटी पैलेस, गजनेर पैलेस, मैसूर महल और यहाँ तक कि हमारे यहाँ मेट्रो का 7 साल काम चला, उसके बीच में भी हमने मॉडल जो कि पूरा लाइव मेट्रो की जैसी हमने ट्रेन बनाई, जो भी हमारे कलकत्ता से कारीगर आए हुए थे उन्होंने बनाया, जो कि हमारे ऋषि भाई कारीगर है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लगातार 21 सालों से वही कर रहा है, अपनी उनकी टीम कर रही है, उन्होंने लाइव मेट्रो चलाई। तो आपने देखा कि एक्चुअली आज के 7 साल 6 साल पहले जब चालू हुआ था उसके दूसरे साल में ही हमने यहाँ लाइव मेट्रो चला ली थी और इस बार जो हमारे लिए जयपुर में बहुत बड़ी सौगात लेके आई है। आप स्मार्ट सिटी के लिए आप चांदपोल बाज़ार ले लीजिए, हमारा किशनपोल ले लीजिए, अन्य बाज़ारों को बहुत ही सुंदर तरीके से सरकार ने सजाया है। साथ ही उसके बाद में स्मार्ट सिटी के अलावा भी देखो आप पूरी चौपड़ पे और मेट्रो आई है, मेट्रो से हमको पोल्यूशन में भी निजात मिली है, साथ ही पार्किंग में भी राहत मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी दीपावली आई है। ठीक है, महामारी आई है लेकिन हम लोगों ने, व्यापारियों ने भरपूर इसमें सहयोग किया है, चाहे लॉकडाउन का पीरियड हो चाहे कर्फ्यू का पीरियड हो, उन्होंने अपनी खाद्य सामग्री घर तक पहुंचाना। और सही बात यह है कि हमने पूरा सूखे पैकेट भी जो हमारे व्यापारियों द्वारा कितनी ही संख्या में, साथ ही हमने मास्क की वैक्सीन का नारा जो है जयपुर व्यापार महासंघ के द्वारा दिया गया था, जो कि लगातार आज उसको सफलता की ओर है और हजारों की तादाद में हम लोगों ने मास्क भी वितरण किए हैं, सैनिटाइज किए हैं, फेस शील्ड भी करी है और आज भी अवेयरनेस है। आज के अवेयरनेस में भी हमने एडिशनल कमिश्नर लांबा साहब जो पधारे थे उनके कर कमलों द्वारा भी हमने मास्क का वितरण किया है। साथ ही हमारे एक प्रतिष्ठान के रूप में मतलब पूजा के रूप में हमने एक अनुष्ठान का आयोजन किया है, उन अनुष्ठान में ये कहा गया है कि जयपुर व्यापार महासंघ और चांदपुर बाज़ार की ओर से कि कोविड जल्द से जल्द पूरे इंडिया से नहीं पूरे भारत से निकले, इसकी हम शुभकामनाएं देते हुए और उसके अनुष्ठान का आयोजन भी किया गया है और बाज़ार में भी हमने मास्क के भी एडवाइजरी भी लगाई है और सबको भी हम कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए इसको बहुत भव्यता से लेवे। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामना देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।